तो यार आज से कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसका नाम था मुजरा वर्सेस कंटेंट। लक्ष्य चौधरी की ये वीडियो है और इसमें इसने टिकटॉकर्स का एक रोस्ट किया था और बेसिकली उस टिकटॉकर का रोस्ट किया था जो ये कह रहा था दैट हाउ टिकटॉकर्स आर बेटर देन यूट्यूबर्स। अब इस डिबेट का कोई सेंस तो बनता नहीं है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद मुझे एक बात की श्योरिटी हो गई, वो ये कि इंडिया में इंटरनेट को सेंसिबली चलाने वाले लोगों की भारी मात्रा में कमी है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही बात लागू होती है हमारे इंटरनेट यूसेज पर। इस आधुनिक युग में हमारे पास इंटरनेट की सुविधा में कोई विशेष कमी नहीं है, परंतु जिस बात पर हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया है वह है कि इंटरनेट का किस तरह से सही उपयोग करें। इसे दूसरे शब्दों में इंटरनेट साक्षरता या इंटरनेट लिटरेसी भी कहते हैं। याद है वो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में एक अजीबोगरीब अफवाह जो कभी ना कभी आपके रिश्तेदारों ने भेजी होगी, जैसे सरकार लैपटॉप बांट रही है जाकर के ले लो, या फिर सरकार इतने रुपये मुफ्त में बांट रही है क्लेम करने के लिए लिंक पे दबाओ। व्हाट्सएप को जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था उसका माहौल उड़ाते हुए कुछ लोग कुछ भी शेयर करने की कोशिश करते हैं, चाहे 29 अप्रैल को दुनिया ख़त्म होने की वीडियो हो या फिर चीनी वायरस से निपटने हेतु अजीबोगरीब नुस्खे। ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपको हर फैमिली ग्रुप में कभी ना कभी देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे मामा मौसी ताऊ फूफा पापा मम्मी इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को ऐसे लेते हैं जैसे ये जेन्युइन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो और इसमें जो लिखा हो वो सत्य हो। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इंटरनेट की साक्षरता इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो मिडिल एज ग्रुप लोग हैं उनको पता चले कि वो क्या शेयर कर रहे हैं, क्या शेयर नहीं कर रहे, क्या उनको शेयर करना चाहिए और क्या शेयर नहीं करना चाहिए। और आजकल तो ये फॉरवर्डेड मैसेजेस इतने तरीके से डिज़ाइन करे जाते हैं कि ये जेन्युइन है या फेक, इसके बीच में कंपैरिजन ड्रॉ कर पाने की काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और पहले मैंने भी एज अ पेज एडमिन फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी न्यूज़ शेयर कर रखी है जो बाद में मुझे पता चला फेक थी जब मेरे फॉलोवर्स ने मुझे पॉइंट आउट करा। अच्छा हाँ यार, सोशल मीडिया से याद आया, आप भी तो ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते होगे, तो जाके फॉलो कर दो भाई को। हाँ, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ जाके फॉलो करो अपनी मस्त कम्युनिटी है फेसबुक पे। तो वापस आते हैं वीडियो पर। हाँ, ये फेक न्यूज़ की मैं बात कर रहा था कि फेक न्यूज़ को भी पहले कन्फर्म्ड या अनकन्फर्म्ड सोर्स मार्क करना चाहिए 10 से 12 घंटे के विंडो पीरियड में, ताकि उसके बीच में न्यूज़ की जेन्युइनिटी का पता लगाया जा सके। अगर तो वो जेन्युइन है तो उसको अनकन्फर्म्ड सोर्स से हटा दो, कन्फर्म्ड कर दो, और अगर वो जेन्युइन नहीं है तो उसे फेक मार्क कर दो। अगर ये चीज़ नहीं लाई गई तो इस तरीके से तो लेफ़्ट न्यूज़ पोर्टल्स जो हैं, जो कि खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड फैक्ट चेकर्स बनते हैं बहुत बड़े, वो तो आए दिन फ़ायदा उठाते रहेंगे और अपने प्रोपेगेंडा का ये कभी फैक्ट चेक नहीं करते। ये जितनी चाहे उतनी फेक न्यूज़ फैलाते हैं और कभी अपने प्रोपेगेंडा का फैक्ट चेक नहीं करते। क्यों? अरे फिर इनकी बायसनेस पता नहीं चल जाएगी। और बात सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड तक ही सीमित रहती तो शायद कोई बात थी। इंटरनेट पर अपने हिसाब से कंटेंट बनाने की स्वतंत्रता को कुछ लोगों ने बड़े गलत सेंस में ले लिया है। जिस काम के लिए तनिष्क बागची जैसे लोग संगीत जगत में बदनाम है, वह काम टिकटॉक नामक ऐप पर धड़ल्ले से हो रहा है। ओरिजिनल कंटेंट और रचनात्मकता की हत्या। जी हाँ, आपने सही सुना, जब से लॉकडाउन देश भर में लागू हुआ है टिकटॉक की हस्तियाँ, अरे सॉरी यार कुछ ज़्यादा इज्जत दे दी, ये टिकटॉक के जो जंतु हैं इनके नखरे सातवें आसमान पर पहुँच चुके हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि वो यूट्यूब के कॉन्टेंट क्रिएटर से बेहतर हैं और यूट्यूब वाले उनके कंटेंट पर पलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लक्ष्य चौधरी की वही मुजरा वर्सेस कंटेंट वाली वीडियो कह रही है। अब आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो यार वो जाके देखो, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पर इन्हें मूर्ख समझने की भूल से भी भूल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि टिकटॉक पर यही लोग अवसर आने पर विषैले वीडियो भी बनाते हैं। अब विषैले वीडियो क्या होता है? टीम 07 याद है ना? हाँ वही, जिसका एक सदस्य फैजू आजकल म्यूजिक वीडियो में काफ़ी छाया हुआ है। इसी टीम के सदस्यों ने कभी तबरेज़ अंसारी की लिंचिंग पर एक बेहद भड़काऊ वीडियो डाला था, जिसे बाद में पुलिस की कार्रवाई के बाद हटाना पड़ा था। इनका अकाउंट भी डिलीट हुआ था और पब्लिक ने इनकी अच्छे से खातिरदारी भी करी थी। नहीं यकीन आता तो देख लीजिए। अब हर कोई तो इतना समझदार नहीं होता कि इनके वीडियो के पीछे की नीयत जान ले, और ऐसे में इंटरनेट लिटरेसी के लिए कोई आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण ऐसे लोगों को वामपंथियों के प्रभाव में लाना काफ़ी आसान होता है और समाज और इंटरनेट के लिए दोनों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है।
चीनी वायरस से उभरने के बाद दुनिया के सामने कई संकट होंगे और इनमें से एक अहम संकट होगा इंटरनेट लिटरेसी के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करना। ये कार्य केवल भारत और वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये तय करेगा कि उनकी तकनीकी स्वतंत्रता कैसी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि और ऐसे आने वाली वीडियोस आप देख सकें। आप हमें अगर मॉनेटरी हेल्प देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं पेपैल और पेट्रियन के, आपको जिस पे भी पेमेंट करनी हो आप कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए, मिलते हैं फिर से ऐसी अगली वीडियो में।